नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। आज एक विशेष दिन है। उत्तर भारत में तो आज उत्सव का माहौल है। जी हाँ, लोहड़ी का पर्व। आप सभी को इस पर्व की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। भारतवर्ष हमारा त्योहारों का देश है और यहाँ उत्सव, उमंग, उत्साह और खुशियाँ हर एक मन में बसी रहती हैं और यही हमारी संस्कृति, यही हमारे संस्कार हैं। आइए इस खूबसूरत सुबह के साथ और इन शुभकामनाओं के साथ आज के सुवाक्य की ओर चलते हैं। किसी को हरा देना फिर भी आसान है, पर किसी को जीत लेना बेहद मुश्किल। अब्दुल कलाम जी। वाह, जीवन का सच्चा सार है इस वाक्य में। जी हाँ, अक्सर हमारी कोशिश रहती है कि हम सामने वाले को हरा दे, जो कि फिर भी आसान है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि यदि उनका दिल जीत लिया जाए तो जीवन कितना खूबसूरत हो जाएगा? यकीनन ये मुश्किल कार्य है, पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। परमात्मा शिव भी कहते हैं कि व्यवहार ऐसा मीठा और सरल हो जो हमारे विरोधी भी हमारे सहयोगी हो जाएं। तो आइए आज से हर किसी को प्यार और सम्मान बांटते चले। सुंदर सुवाक्य मित्रों, कि किसी को हराना बहुत आसान, लेकिन किसी को जीत लेना बहुत बहुत कठिन। और यही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। हम जीतें लोगों के दिलों को। जीतते चलेंगे तो सचमुच जीवन खुशहाल रहेगा, क्योंकि जब दूसरा व्यक्ति हमसे खुशी प्राप्त करता है, आनंद प्राप्त करता है, तो फिर वही खुशी, वही आनंद रिटर्न में हमें भी प्राप्त होता है। और यही तो जीवन है ना। और आज लोहड़ी में हम यही कर रहे हैं, एक दूसरे को खुशियाँ बांट रहे हैं। तो जीतना केवल औरों के दिलों को नहीं, लेकिन अपने स्वास्थ्य को भी है, क्योंकि कई बार स्वास्थ्य का हम उतना ध्यान नहीं रखते हैं और इसीलिए यहाँ हमारी पराजय हो जाती है, हम बीमार हो जाते हैं। इसीलिए आपकी सेहत आपके हाथ में। आज हम लेके आए हैं कुछ यौगिक क्रियाएँ जो आपको संपूर्ण स्वस्थ रखेंगे। आइए देखते हैं। शांति, स्वस्थ रहने के लिए कौन सी योगिक क्रियाएं हम रोज कर सकते हैं? शुरुआत करते हैं शुद्धिकरण क्रिया से। शुद्धिकरण क्रिया में प्रक्षालन क्रिया, नेति, धोती, नौली और कपालभाति का समावेश है। कपालभाति एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसे रोज हम 5 मिनट जरूर करें। इसके बाद प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम और ओमकार प्राणायाम रोज कर सकते हैं। इसके बाद वार्म अप एक्सरसाइज या तो सूक्ष्म व्यायाम जिसे कहते हैं, जिससे शरीर फ्लेक्सिबल रहता है और वार्म हो जाता है। और इसके बाद आसनों की शुरुआत करें। खड़े रहकर ताड़ासन या कटी चक्रासन, बैठकर चक्की आसन और वक्रासन, सीधा लेटकर चक्रिकासन, पवन मुक्तासन और उल्टा लेटकर भुजंगासन, मकरासन रोज कर सकते हैं। तो 20 मिनट लेटकर जो एक्सरसाइज है, खड़े रहकर, बैठकर और उल्टा लेटकर जो है, इसे 20 मिनट हमें जरूर देना है। लास्ट में शवासन। सुस्वास्थ्य के बाद आइए मित्रों चलते हैं अब हम स्पिरिचुअल इंडिया में एक ऐसे प्रदेश की ओर जो सत्ता, शक्ति, अध्ययन और संस्कृति के लिए विख्यात रहा है, जो महात्मा बुद्ध की कर्म भूमि रही है, जहां मगध साम्राज्य का एक सुंदर बोलबाला रहा और सारे विश्व में ये साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के रूप में विख्यात रहा, जहाँ विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय रहा, जहाँ विश्व भर के लोग अध्ययन के लिए आते रहे। जी हाँ, आपने सही पहचाना, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। आइए चलते हैं और आज के स्पिरिचुअल इंडिया में बिहार के दर्शन करते हैं।
भारत के आध्यात्मिक मानचित्र में बिहार का विशेष स्थान है। यहीं पर राजकुमार गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध बने। यह बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल है। यह जैन धर्म का भी उद्गम स्थल है, क्योंकि यहाँ भगवान महावीर का जन्म हुआ था और उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी यहीं हुआ था। प्राचीन बिहार को शक्ति, विद्या और संस्कृति का केंद्र माना जाता था। मगध से भारत के पहले साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। भारत का आध्यात्मिक केंद्र होने के कारण बिहार में विश्व के विभिन्न भागों के मंदिर पाए जाते हैं, जो अपने आप में अद्वितीय हैं। प्राचीन नालंदा महावीर मगध साम्राज्य के शासनकाल के दौरान दुनिया के सबसे बड़े शैक्षिक केंद्रों में गिने जाने वाला नालंदा महावीर भी बिहार में स्थित है। ऐसे महान राज्य में ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा विश्व परिवर्तन का बीज दादी प्रकाशमणि जी और दादी कुंज जी ने 1958 में बोया था, जिसे मुजफ्फरपुर की रानी दीदी और पटना की संगीता दीदी द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, बिहार अध्यात्म, विद्या और सांप्रदायिक सहयोग के केंद्र के रूप में खड़ा है, जो भारत के लिए बिहार का सबसे बड़ा योगदान है। मित्रों, जीवन में नजरिए का बहुत महत्व है। हम क्या देखते हैं वो हमारे जीवन को निर्मित करता है, हमारे विचारों को, हमारे व्यवहार को निर्मित करता है, निर्देशित करता है। कोई कीचड़ में भी कमल देख लेता है तो कोई चांद में भी दाग देख लेता है। यदि आप बुराई में भी अच्छाई देखने की सुंदर दृष्टि रखते हैं तो जीवन खूबसूरती से भर जाता है। कुछ ऐसा ही सुंदर प्रसंग आज हम सबके साथ बांट रहे हैं प्रोफेसर राजीव शर्मा जी। आइए जरा ये भी सुने। सभी देखने सुनने वालों को प्रोफेसर राजीव शर्मा का नमस्कार। एक बार श्री कृष्ण पांडवों के साथ प्रातः भ्रमण पर जा रहे थे। रास्ते में एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था। कुत्ते की लाश से दुर्गंध आ रही थी। दुर्गंध और मरे हुए कुत्ते को देखकर पांडव नाक भौं सिकुड़ने लगे, अपनी नाक पर रुमाल रखने लगे, लेकिन श्री कृष्ण उस कुत्ते को देखकर मुस्कुराते रहे। धनंजय ने प्रश्न किया कि यशोदा नंदन, इस मृत कुत्ते को देखकर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो यशोदा नंदन ने उत्तर दिया, धनंजय, इस मृत कुत्ते की आंखों को देखो, किसी योगी की तरह चमक रही है। कहने का मतलब ये कि जो जबरदस्त दुर्गंध में भी सकारात्मक खोज लेता है वही श्री कृष्ण भाव कहलाता है। नमस्कार। मित्रों, जैसे मैंने प्रारंभ किया था, आज बहुत ही खुशी का दिन, लोहड़ी का पर्व है, जिसमें हम गुड़ से बनी मिठाइयाँ, तिल, मूंगफली, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ बांटते भी हैं और आग जलाकर सभी घर वाले, आस पड़ोस के सभी लोग मिलकर जश्न मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। ये पर्व है क्या, किस प्रकार मनाया जाता है, इसके पीछे के कुछ भाव क्या हैं, आइए देखते हैं। लोहड़ी का त्योहार खुशियों का त्योहार, भांगड़े, गिद्दे और गीतों का त्योहार, जिसे विशेष रूप से पूरे पंजाब में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाने वाला ये त्योहार 13 जनवरी को ही मनाया जाता है। लोहड़ी पंजाबी संस्कृति का हिस्सा मुगल काल के समय से ही है। हालांकि समय के साथ साथ इसे मनाने के ढंग में काफी अंतर आया है, पर फिर भी पंजाबियत की झलक इस त्योहार में देखते ही बनती है। इसे मनाने को लेकर बहुत सी धारणाएं हैं,
कुछ दार्शनिकों का कहना है कि ये त्योहार रबी की फसल की कटाई की खुशी में मनाया जाता है, और ये दिन इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि इस दिन सूर्य देवता की चाल उत्तर दिशा की ओर शुरू होती है, जिससे यहाँ के लोगों को सर्दी कोहरे से निजात मिलती है और इस दिन से बड़े दिन होना शुरू हो जाते हैं। एक और ऐतिहासिक घटना भी इस त्योहार के साथ जुड़ी है, दुल्ला भट्टी नामक एक वीर योद्धा की, जिसने मुगल शासक अकबर के शासनकाल के दौरान मुगलों के अत्याचारों का विरोध किया और कई युवतियों को मुगल सिपाहियों की हिरासत से छुड़ाया, जिन्हें वो गुलामों के तौर पर बेचने के लिए ले जा रहे थे। इन लड़कियों में सुंदरी और मुंदरी नामक दो लड़कियां भी थीं, जिनके माता पिता नहीं थे। कहा जाता है कि दुल्ले भट्टी ने उन लड़कियों का विवाह करवाया, जिस पर लोहड़ी के दिन गाया जाने वाला लोकगीत सुंदर मुंदरिये हो, तेरा कौन बिचारा हो, दुल्ला भट्टी वाला हो गाकर इस घटना को याद किया जाता है। लोहड़ी की रात लोग अपने गली मोहल्ले में आग जलाकर उसके पास बैठ पाला सेकते हैं। मूंगफली, रेवड़ियां, तिल और गज्जक आपस में बांटी जाती हैं। दिन में युवक पतंगबाजी करके उमंग उत्साह से इस त्योहार को मनाते हैं। पुराने अनुसार दो पुरानी आदतां भी इसे तरह साड़ दो। अच्छा। कि पुरानियां आदतां भी घर च पईयां रहियां अपने जीवन दे घर विच, ते ओह भी तंग करनगियां। जिस तरह पुराना समान कड्डो ना नवा लियांदे जाओ, ते ओह घर च किन्ना गंद पै जाएगा, ते नाले घर दी शोभा भी खराब होएगी, काकरोच आ जाणगे, गंदगी सोहनी नहीं लगदी। ते ओह घर नूं सजाउण वास्ते आपां ओह गंद कढ़दे हां, ते अपनी जिंदगी तों ही पुरानियां आदतां दा गंद कढ़ देना चाहीदा। गुस्सा करन दी आदत है, रो पाउण दी आदत है, जिहड़ी सानूं तंग करदी है, रिश्तियां नूं खराब करदी है। अज दे लोहड़ी दे दिन सचो के बाल देनी है आप। ओम शांति। लोहड़ी पर्व में सबको नाचते गाते हुए देखना, एक दूसरे का मुख मीठा कराते हुए देखना सचमुच कितना भा रहा था। हम क्यों ना इस पर्व को केवल एक दिन तक सीमित ना रखें। इसके पीछे की जो खुशी है, इसके पीछे का जो मेल मिलाप है, इसके पीछे का जो आनंद है, इसे हम हर रोज़ बनाए रखें, क्योंकि यही तो जीवन है ना। यदि हम हर पल को एक उत्सव बना लेते हैं तो सचमुच जीवन सफल होता है और लोग हमारे करीब आके भी उस उत्सव और आनंद का अनुभव करते हैं। सचमुच ईश्वर ने हमें संसार में खुशी के लिए, आनंद के लिए और उत्सव के लिए ही तो भेजा है। तो क्यों ना आज के दिन और अपने हर दिन को यूं ही खुशी के साथ उत्सव के रूप में मनाएं, औरों को खुशियां बांटें, तो आपका आज का दिन बेहद बेहद आनंदित हो। और फिर से एक बार लोहड़ी की शुभकामनाएं देते हुए आप सबसे विदाई लेता हूँ। दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।